हेलो चिल्ड्रन, आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और अपना अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हो। हम लोगों ने स्वर सीख लिए हैं हिंदी में, है ना। अ से अनारा से हम सीखा, उनसे जुड़े हुए जो शब्द हैं, जो उनसे शुरू होते हैं, वो शब्द सीखे और उनका सही तरीके से उनको लिखना सीखा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्वर के बाद हम लोग क्या सीखते हैं, व्यंजन। तो अब हम लोग व्यंजन पे आ जाएंगे। व्यंजन अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। हेलो, तो व्यंजन में पहला अक्षर कौन सा होता है व्यंजन में, क। क से कबूतर, है ना। तो क से सिर्फ कबूतर ही नहीं होता, क से कबूतर के अलावा क्या क्या होता है, कमल, कंघी, कछुआ और कुआं। क से होता है कमल, कंघी, कछुआ और कुआं। वैसे और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, आप ढूंढिएगा क से कौन कौन से शब्द होते हैं। क के बाद आता है ख। ख से क्या होता है, खरगोश और खत। खरगोश और खत, और भी बहुत से शब्द होते हैं जैसे खीर, खीरा, आप लोग ढूंढिएगा और कौन कौन से शब्द होते हैं ख से। ख के बाद आता है ग। ग, ग से गमला, ग से गाजर। ग से गमला, ग से गाजर, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, गाय, है ना, ग से गाय भी होता है। तो अब आप लोग ढूंढिए ग से कौन कौन से शब्द और हो सकते हैं। ग से गमला के बाद आता है घ से घड़ी। घ से घड़ी, घ से घड़ी होती है, घ से घर होता है और घ से घड़ा भी होता है। अच्छा, घ से घड़ियाल भी होता है। देखिए, घ से घड़ी, घ से घड़ा, घ से घर। और अब आपको ढूंढने हैं घ से और क्या क्या शब्द हो सकते हैं। अभी इन चार अक्षरों को ठीक से पहचानना सीखिए और इनसे जुड़े शब्दों को पहचानना सीखिए, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे के व्यंजन सीखेंगे।